चलिए इनसे पूछते हैं, ये भी एक ऑटो ड्राइवर हैं और मुंबई में ऑटो चलाते हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या आज वोट किया है। जी सर, वोट किया हूँ। अच्छा, क्या मुद्दे थे जिसके बेस पे आपने वोट किया है? सर, मुद्दे यही थे कि हमारे देश का विकास हो। अच्छा, इसी के वजह से वोट किया है सर। तो इसके अलावा क्या सुविधाएं चाहते हैं नई सरकार से, आप क्या उम्मीदें हैं? सुविधाएं यही चाहते हैं सर कि जितना हो सके हमारे देश का विकास करें, जितना हो सके। और मुंबई के लिए आप क्या चाहते हैं सरकार से? मुंबई के लिए साफ सुथरा हो। जी सर। अच्छा, चलिए ठीक है। लोकतंत्र के इस उत्सव में आपने भाग लिया, वोट लिया, अभिनंदन आपका। ओके सर, चलिए बात करते हैं। ये मेरे ख्याल से हस्बैंड वाइफ हैं और ये वोटिंग करके आए हैं। इनसे पूछते हैं कि किसको उन्होंने वोट किया है। अब मुद्दे क्या थे, किन मुद्दों पे आपने वोट किया है? गरीबी हटाओ और देश का डेवलपमेंट हो, दैट शुड बी नंबर वन प्रायोरिटी। उस बेसिस पे वोटिंग किया है। और इसके अलावा नेशनल मुद्दे क्या थे जिसको आप समझते हैं कि इस चुनाव में हावी रहे? आई थिंक जो नैरेटिव कांग्रेस का बन के आ रहा है कि जो पुराना उनका 70 इयर्स का रिकॉर्ड है, दैट आई डोंट थिंक इज प्लेइंग आउट वेरी क्लियरली इन द माइंड्स ऑफ द वोटर्स। ओके, अभी तक वो पूरी तरह से अपना जो पास्ट है वो उसको क्लीन नहीं कर पाए हैं। शायद एक आध और जनरेशन लग जाएगी इसमें। क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से मुंबई शहर के लिए? मुंबई शहर के लिए ये है कि जो भी अभी इतने सारे कंस्ट्रक्शन चालू किए हैं उन सबको जल्दी ख़त्म करें जी, जिससे कि इतना सारा जो ट्रैफिक का सत्यानाश हो रखा है वो जल्दी ख़त्म हो। एक्सपेक्टेशन ये भी है कि यहाँ पे जो चौल वगैरह का जो एरिया है उसको थोड़ा सा किसी अच्छे तरीके से उसको डेवलप किया जाए। देर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल देयर एंड देर आर इनोवेटिव सोल्यूशंस टू बी एबल टू इम्प्लीमेंटेड। सो अर्बन प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आई वुड से द सेम एक्चुअली। जो भी आए, जो भी सरकार बनाए, वो मुंबई जैसे शहर के जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं उनको पहले सॉर्ट करे। आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एज द पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, दैट इज़ समथिंग दैट द न्यू गवर्नमेंट हैज़ टू रियली लुक इन टू, अदरवाइज इट माइट क्रिएट बिगर प्रॉब्लम्स फॉर अस। आप मुंबई के काफ़ी एक मॉडर्न इलाके में रहते हैं, तो आपकी क्या उम्मीदें होंगी कि सरकार क्या ऐसे कदम उठाए जिससे कि आपकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाए? मैं मॉडर्न इलाके में रहती हूँ लेकिन मैं हूँ एक छोटे शहर से। कहाँ से हैं? मैं भोपाल से हूँ। आप भोपाल से हैं जी, तो मैं सिर्फ यहाँ के लिए नहीं सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि चाहे बड़े शहर हो या छोटे, सबका विकास होना चाहिए, गाँवों का भी विकास होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो ऐसी सरकार हो जो सब हर दिशा में देखे और हर जगह के लिए कुछ करे। भोपाल में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबला है प्रज्ञा ठाकुर का। मैं भोपाल बहुत बार गया हूँ, मैं आपको बताऊँ, और भोपाल मुझे बहुत पसंद है और बहुत कूल सिटी है, कैपिटल है, और साथ में दिग्विजय सिंह है। तो कुछ उसके बारे में आप कहना चाहेंगे, उस फाइट के बारे में? इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ फाइट। आई एम स्लाइटली डिसअपॉइंटेड विद द बीजेपी चॉइस फॉर भोपाल, बट स्टिल लेट पीपल डिसाइड द बेस्ट फॉर देयर सिटी। अच्छा, चलिए ठीक है। आप चीज़ और ऐड करूंगा जी, जरूर। जो सरकार को अगले 5 साल में फोकस करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन वाटर। वाटर इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट इशू फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड ग्लोबली गोइंग फॉरवर्ड, एंड वाटर मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स, बिकॉज अदरवाइज इट इज़ आवर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ चिल्ड्रेन हु आर गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर एंड क्लीन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी टू ड्रिंक गुड वाटर एंड ऑल्सो टू सस्टेन देमसेल्व्स फॉर देयर डेली लाइफ्स। क्या आपको लगता नहीं कि सरकार मुख्य मुद्दों की तो कोई बात ही नहीं कर रही है, जो रोजमर्रा के मुद्दे हैं, पानी के हैं, जलवायु के हैं, या जलवायु परिवर्तन के हैं, आपके पोल्यूशन के हैं, या अर्बन ट्रैफिक के हैं, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है? आई थिंक जब इलेक्शन मोड में जाती है सरकार तब ये मुद्दे कुछ पीछे रह जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाउएवर भावनात्मक मुद्दे ज़्यादा हो, बिल्कुल। हाउएवर जब आप यदि मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उसमें ये दिखता है कि उन लोग ने ये दूसरे इश्यूज के ऊपर काफ़ी काम किया है। इट्स नॉट लाइक कि अदर दूसरी सरकारों ने ये नहीं किया है, पर मोदी सरकार ने जो किया है वो दिखाई भी देता है। एटलीस्ट जो गंगा में किया है और जो दूसरे, आप गंगा नहा के आए कुंभ के मेले, बिल्कुल करके आए, कुंभ में तो नहीं गए थे बट वैसे करके आए
बट वो सब घाटे जो जिस तरह से थे पहले और अब जो है दिखता है काफ़ी परिवर्तन हो गया आई थिंक. बट मोर इम्पॉर्टेंटली वो केवल गंगा की सफाई से नहीं है, जो अपने रिवर लिंकिंग वगैरह की बात हो रही है, रिवर ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स विच हैव टू बी कम्प्लीटेड बाई द न्यू गवर्नमेंट हू एवर कम्स इन पावर, बिकॉज इट इज अ फंडामेंटल इशू ऑल गवर्नमेंट्स विल हैव टू डील विद. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और इस लोकतंत्र के पर्व में आपने भाग लिया और अपना वोट दिया, अपने अधिकार का उपयोग किया, आपका अभिनंदन. हेलो दोस्तों, चैनल 5 हिंदी से दिनेश केवोरा. तो आज सारा दिन चुनाव की गहमा गहमी रही महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर खास तौर से, और हमने आपको कुछ उसके चित्रण दिखाए, लोगों से बात करवाई और उनके रुझान का पता चला. एक तरह से देखा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर जो है चारों चरण कंप्लीट हो गए, हिंदुस्तान में भी चारों चरण कंप्लीट हो गए, तीन चरण बाकी हैं और 370 सीटें कंप्लीट हो गई. और अब जिनके ईवीएम के अंदर भाग्य बंद हो चुके हैं, अब वो थोड़ा सा 23 मई तक उनको इंतज़ार करना होगा कि अंततः रिजल्ट्स क्या होंगे. तो अगले अंक में जल्दी मिलेंगे. चैनल 5 से दिनेश केवोरा को दीजिए इजाज़त और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा.